मुल्क का दिफा मजबूत से मजबूतर, पाकिस्तान का फतेहबंद रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजर्बा, DGISPR का ट्वीट। फतेहबंद रॉकेट सिस्टम रिवायती वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। विफाक हमें हमारा हक नहीं दे रहा, इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से मौशी बहरान चल रहा है। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत आवाम को रोजगार देने के बजाय छीन रही है। कराची की बेहतरी के लिए शहरियों से मदद भी मांग ली। मुंतखब हुए तो 40 दिन में हलफ उठाना होगा, नहीं तो सीट खाली तसव्वुर होगी। सेनेट, कौमी और सूबाई असेंबली की नशस्तों पर हलफ ना उठाने वालों के लिए बड़ा फैसला। वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। 40 रोज बाद दोबारा इंतखाब कराया जाएगा। ऑर्डिनेंस के इजरा के लिए बिल सदर मुमलिकत को भेजा जाएगा। कोयटा के इलाके मारवाड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग, 3 कानपुन जाम भाग। पुलिस के मुताबिक कोयले की कान में काम के दौरान निशाना बनाया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। मुजफ्फरगढ़ में 5 मुलजिमान का शौहर के सामने खातून पर तशद्दुद, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून के भाई पर ज्यादती का इल्जाम था जिसका बदला लिया गया। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए उम्र की हद 15 साल मुकर्रर। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं यकुम सितंबर से स्कूलों में आने वाले ट्रांसपोर्ट अमले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी होगी। 30 सितंबर के बाद बगैर वैक्सीनेशन वाले अफराद फजाई सफर नहीं कर सकेंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 91 अफराद का इंतकाल, 4075 नए केसेज रिपोर्ट। मुस्बत केसेज की शरह 6.79% रही। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालना चैलेंज बन गया। ऑपरेशन आज भी कामयाब ना हो सका। जहाज को निकालने के लिए टग बोट से बांधा गया रस्सा टूट गया। खराब मौसम के बाइस जहाज वापस साहिल की तरफ आ गया। और किंगस्टन टेस्ट फैसला कुल मरहले में दाखिल। पाकिस्तान का 329 रन का हदफ, वेस्ट इंडीज ने 1 विकेट पर 49 रन बना लिए। आज आखिरी रोज वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 280 रन, पाकिस्तान को 9 विकेटें दरकार।